बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान के प्यारे लोगों और पाकिस्तान से बाहर जो मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी हर वबा से अल्लाह जी हम सब की हफाजत करें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मटन मसाला राइस, मेरे तरीके से बड़े टेस्टी बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे लाइक और शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड में साथ। जो मेरे नए देखने वाले वो मुझे सब्सक्राइब करें। चार मैंने टमाटर लिए हैं, काट लिए उन्हें बारीक, दो ग्रीन चिल्ली ली हैं, हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 8-10 कलियां मैंने लहसुन की छिली हुई ली हैं, हाफ टी स्पून से कम मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है और दो काली इलायची और दो छोटे छोटे टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी के, हाफ टी स्पून से भी कम मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर और नमक हसबे ज़रूरत, हाफ टी स्पून मैंने क्रश किया हुआ लिया है सूखा धनिया, ठीक है जी, हाफ प्याज मैंने लिया है और एक कप मैंने पानी लिया है, आधा के जी मैंने बीफ मटन लिया है और एक कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी, साथ में लहसुन प्याज जीरा सूखा धनिया ब्लैक पेपर रेड चिल्ली पाउडर नमक हसबे ज़रूरत दो काली इलायची और दो छोटे छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, जो जायफल जवत्री का पाउडर है एक चुटकी ये मैं बाद में ऐड करूँगी, टमाटर और क्रश की हुई जिंजर, साथ में हाफ कप मैं ऑयल डालूंगी इसमें, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और मैं इसे 5 मिनट के लिए कुकर में पकने के लिए रख दूंगी लो फ्लेम पे। एक ग्रीन चिल्ली इसमें हम डाल देंगे, अब मैं 5 मिनट के लिए इसको सीटी लगा के रख दूंगी पकने के लिए, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं 5 मिनट के बाद, ये जो इसका भाप का पानी बनता है वो भी इसी में शामिल कर दिया करें, इसमें सारे जूसेस होते हैं गोश्त हो या सब्जी उसके सारे जूसेस होते हैं, तो गोश्त हमारा गल गया है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अब मैंने कुकर से निकाल लिया है सारा गोश्त देगची में, कुकर में चावल नहीं मैं बनाऊंगी, मुझसे ज़्यादा गल जाते हैं कुकर में, तो इसलिए मैं इसमें नहीं बनाऊंगी। तो अब हम भूनेंगे अच्छी तरह से गोश्त को, ये देखें जी अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई करनी है, गोश्त हमारा भुन चुका है अच्छी तरह। अब हम इसमें सब्ज मिर्चें डालेंगे, एक सब्ज मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी, इस रेसिपी का नाम है मटन मसाला राइस, ठीक है जी। तो इसमें मिर्चें भी जाएंगी और मसाले भी जाएंगे, ठीक है जी।
अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। 2 कप मेरे चावल हैं और 2 ही कप मैंने इसमें पानी डालना है। मैंने सेला चावल में बनाया है ये मसाला राइस। और सेला चावल को अगर हम अच्छी तरह से भिगो देते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है जी। ये जो जायफल जावित्री का पाउडर था एक चुटकी, वो भी मैंने डाल दिया है अब खुशबू के लिए, और टेस्ट इससे अच्छा हो जाएगा। अब पानी को एक उबाल आ गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखा करें, बहुत मज़े की रेसिपी होती हैं जो मैं बड़ी मेहनत और प्यार से बनाती हूँ आप लोगों के लिए। और इसको ज़रूर देखा करें शुरू से लेके एंड तक, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड में। मेरे नए देखने वाले मुझे सब्सक्राइब किया करें, मुझे मैसेज भी किया करें जो रेसिपी मेरी अच्छी लगती है आपको। ये देखें जी, पानी इसका हमने आधा इंच रखना है, आपने आधा इंच चावल के ऊपर पानी होना चाहिए। एक दफ़ा चावलों को चेक कर लिया करें दम लगाने से पहले, ठीक है जी। हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे लो फ्लेम पे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है चावलों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब चावल पकने के करीब होते हैं बहुत प्यारी खुशबू आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल तैयार हो गए हैं। मटर मसाला राइस, ये देखें कितने प्यारे चावल और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है इन चावलों की, बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मसाला राइस तैयार हो गए हैं। आप ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा प्यारी प्यारी नेमतों से, अल्लाह ताला की नेमतों से भरे रहें, और हमें अल्लाह जी सेहत दें, हम सबको हम खाते रहें और अल्लाह जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते रहें, और जो नहीं खा सकते उनको भी खिलाएं। और अपनी दुआओं में मुझे मेरे बच्चों को याद रखना। अल्लाह हाफिज़।